चलिए अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। उज्जैन के संभागायुक्त संजय गुप्ता ने प्रशासनिक संकुल भवन और तहसील कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश अनुसार राजस्व महाअभियान 2.0 के समस्त राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए अभियान चलाया गया है। निरीक्षण के दौरान राजस्व न्यायालय में समस्त समय सीमा पर लंबित प्रकरणों का निराकरण एवं राजस्व प्रकरणों का RCMS पर दर्ज करना आदि प्रकरणों की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। इस दौरान अधिकारी उप अधिकारी मौजूद रहे। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। नईखेड़ी के एक परिवार ने गांव के लोगों के साथ डॉक्टर आलोक सोनी के खिलाफ उज्जैन के टावर चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। परिजनों का कहना है कि चैरिटेबल हॉस्पिटल के डॉक्टर आलोक सोनी ने 8 साल की मासूम अर्पिता के पैर का 3 साल पहले गलत इलाज किया, जिससे यह ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही है। इसी को लेकर एक बार फिर परिजनों ने टावर पर भूख हड़ताल कर प्रदेश के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं मौके पर पहुंचे SDM LN गर्ग ने परिजनों को जांच का आश्वासन दिया है। ये हमारे नईखेड़ी का मामला है। नईखेड़ी का एक केस जो हमारी बालिका का जो पांव खराब हुआ है, सोनू भाई की बालिका है, जिसके ये प्रकरण 2023 जनवरी 1 का है। जब से 1.5 साल तक ये चल रहा है, लेकिन हमारी कहीं भी कोई मांग सुनी नहीं गई। उस बालिका का पूरा पांव खराब हो गया, आज वो चलने की स्थिति में नहीं है। आलोक सोनी डॉक्टर के द्वारा यह जो इलाज किया गया, उसमें हमने कई बार शिकायत की, हम कलेक्टर साहब के पास भी गए और कहीं हम प्रशासन अधिकारियों से हमने चर्चा की है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज उस बालिका का जीवन खराब हो चुका है। उसकी मांग को लेकर आज हमने भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र आता है यह, और जब डॉक्टर हमारा यह मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी, जो जब जिनके गृह क्षेत्र में इस प्रकार की घटना हो रही है, तो हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसी बातों को संज्ञान में लें और ऐसी घटनाएं अलग किसी व्यक्ति के साथ में ना घटित हो, जिससे कि हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम खराब हो और हमारे उज्जैन जिले का नाम भी खराब हो। जिस प्रकार से डॉक्टर इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं और फिर बाद में पेशेंट के जाने के बाद में जो बताते हैं वो इस प्रकार की घटना हुई है, हमारे बालिका का पांव खराब है, वो एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जाँच कमेटी जो बिठाई जाती है, उस जाँच कमेटी भी वह डॉक्टर के पक्ष में निर्णय लेती है। उस जाँच कमेटी ने यह दर्शा दिया है, हमारे पास सारे उसके डॉक्यूमेंट हैं, माननीय SDM साहब या कलेक्टर साहब जो भी आएंगे उनको बताएंगे कि जब उस बालिका का इलाज हुआ, उसके डॉक्टर के वहाँ पर साइन है, उसके हमारे पास सारे फोटो हैं, वीडियो हैं, सब जो चीज़ है उन्होंने इलाज करा उसके, और उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया है। पहले तो यही मना कर दिया हमने इलाज नहीं करा, फिर कहते हैं हमने पट्टा नहीं चढ़ाया। मतलब हमारा यह कहना है कि डॉक्टर और पूरी टीम जो है वो भ्रष्ट है, और जिस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार करके आज इस बालिका का जीवन खराब करा है, हम चाहते हैं उसको जिसने ये अपराध करा है उसको सजा मिले और वह जेल जाए, ये हमारी मांग है। बच्ची है 8 वर्षीय अर्पिता कुशवाहा, घटिया की निवासी है। तो उसके फादर और मामा लोग और गाँव वाले इकट्ठे हुए, उनका ये कहना था कि जो चैरिटेबल हॉस्पिटल में जो डॉक्टर आलोक सोनी है, उनके द्वारा जो इलाज गलत तरीके से किया गया, जिसके उसके पैर गलने की स्थिति में आ गया है, और वो लाइलाज टाइप में ऐसी बीमारी हो गई है कि वो हड्डियाँ वगैरह सब गल गई हैं, तो इसके लिए उन्हें जिम्मेदार दोषी ठहराया जाए। इसके परिप्रेक्ष्य में हमने पुरानी जाँचें भी देखी जिनमें उनको क्लीन चिट दी गई है, जिसमें SDM कोठी महल ने भी जाँच की है और डॉक्टर्स के पैनल ने भी। तो इससे असंतुष्ट होकर इन्होंने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी की जाए, जिसके लिए हमने इनको आश्वासन दिया है कि जो भी CMHO ने प्रदेश स्तर के पैनल के लिए गठन की मांग की है और प्रदेश स्तरीय पैनल के लिए पत्र भी लिखा है कि जिसमें डॉक्टर्स के इंदौर के डॉक्टर शामिल हों और निष्पक्ष इसकी जांच हो, यदि उसमें जांच में भी जो भी दोषी पाया जाता है उसके विरुद्ध। खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां बाबा महाकाल की सवारी के दौरान भजन मंडलियों द्वारा मुख्य पालकी की तर्ज पर बनाई अन्य पालकी बनाने पर कलेक्टर ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन करने देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु उज्जैन आते हैं। ऐसे में सावन के पहले सोमवार को निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी में कई श्रद्धालु भ्रमित हो गए। दरअसल सवारी के दौरान मुख्य पालकी की तर्ज पर कुछ भजन मंडलियों ने बाबा महाकाल की तरह की पालकी तैयार कर ली। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कहा कि हमारे द्वारा कार्रवाई करते हुए अगली सवारी में संबंधित भजन मंडलियों के DJ जब्त किए जाएंगे और इस तरह से भ्रम फैलाने वाली भजन मंडलियों को समझाइश देकर इन पालकियों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।